नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 मंथ के लिए। जनवरी से लेकर अब तक हर महीने की स्पेशल करंट आपको कराई गई है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उसी कंटिन्यू सीरीज को करते हुए आगे बढ़ रहे हम लोग और इस मंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कुछ रहे थे अक्टूबर मंथ में। पहला क्वेश्चन आता है, एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित नदियों की सूची में उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पहले स्थान पर है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश की तीन नदियां हैं जो सबसे ज्यादा गंदी मानी गई हैं, और इन तीन नदियों के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा भी बिल्कुल ना के बराबर है, खत्म हो चुकी है। इसमें हिंडन रिवर आती है, याद रखना है, काली रिवर आती है और गोमती रिवर आती है। तो हिंडन, काली और गोमती, ये तीन मुख्य नदियां हैं जिनमें से सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो वो हिंडन की है कि इसे सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कहा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में कौन सा शहर राज्य का सबसे स्वच्छ शहर बन गया। स्वच्छ सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा, सूरत दूसरे नंबर पर आता, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश विशेष की जाए तो राज्य में जो सबसे स्वच्छ रहा है वो गाजियाबाद रहा है। तो गाजियाबाद को सबसे स्वच्छ शहर उत्तर प्रदेश राज्य का माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में पहली तीन महिला जो प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी बटालियंस है इनकी घोषणा की है। एक्चुअल में तीन बटालियंस हैं, तीन महिला बटालियंस आप इन्हें कह सकते हैं, और ये तीन जो महिला बटालियंस हैं तीन अलग अलग नामों पर होंगी। ये तीन जो महिला फ्रीडम फाइटर्स रही हैं हमारी, उन तीनों के नाम पर आपको याद रखना है भाई। और ये तीन महिलाएं कौन कौन सी हैं उनको देखो याद रखना है। इसमें एक नाम जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तीन बटालियंस हैं, इसमें एक है अवंती बाई के नाम से, तो एक नाम है अवंती बाई का, दूसरा है झलकारी बाई के नाम से, और एक तीसरा यहां पर जो होगा दैट इज उदा देवी। ये तीन महिलाएं हैं, तीनों के नाम पर एक एक बटालियन होगी जिनमें एक बदायूं में होगी अवंती बाई के नाम पर, एक आपके पास लखनऊ में होगी और एक आपके पास गोरखपुर के अंदर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, उदा देवी लखनऊ में और एक गोरखपुर के अंदर। ये तीन महिला बटालियंस होंगी और तीन अलग अलग महिलाओं के नाम पर यह फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। किस राज्य के हर विकास खंड में एक हॉर्टिकल्चर मॉडल गांव होगा। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागवानी को, तो बागवानी फल और सब्जियां उगाने के लिए एक मॉडल गांव होगा। जैसे कि हर प्रकार के गांव को विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यह हॉर्टिकल्चर मॉडल गांव जो होगा हर एक विकास खंड के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, उनका गांव सेफई उत्तर प्रदेश में आता है, और इन्हें किस नाम से जाना जाता था। नेताजी इनका बहुत फेमस नेम रहा है, नेताजी के अलावा इन्हें धरती पुत्र भी कहा गया है। तो नेताजी और धरती पुत्र जो है ये बेसिकली इनको कहा गया है और इनके निक नेम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सड़क कांग्रेस यानी कि कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, मीटिंग कह लीजिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, उत्तर प्रदेश में एक्चुअली इसका आयोजन हुआ, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो भारतीय सड़क कांग्रेस जो है 21 का 81वां जो अधिवेशन था, कॉन्फ्रेंस रही, मीटिंग अधिवेशन रहा है, यह इस बार लखनऊ में आयोजित किया गया। और हम जानते हैं कि हाईवे कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश में भी और पूरे भारत में भी बहुत तेजी से हो रहा है। नितिन गडकरी जो हाईवे मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छे से इस पर वर्क भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आईजीआरएस पुलिस थाना रैंकिंग में किस आयुक्तालय यानी किस कमिश्नरेट के अंदर राज्य के तीन थानों को प्रथम पुरस्कार मिला है। यहां पर सबसे बेहतर पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन रैंकिंग जो है उसमें वाराणसी के जो तीन पुलिस स्टेशन, एक्चुअली उन तीनों को प्रथम स्थान मिला है। ये तीनों आपके पास वाराणसी के अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ ही शहरों में कमिश्नरेट यानी कमिश्नर प्रणाली लागू होती है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस फसल के निर्यात में गिरावट के कारण 60 दिनों के लिए कीटनाशक के प्रयोग पर रोक लगा दी है।
आप कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको बहुत ज्यादा निर्यात नहीं करना, तो बहुत ज्यादा उत्पादन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके के जो हमारे पास है वो है रामपुर में होने वाला बासमती चावल, क्योंकि इसकी जो मात्रा है, इसकी जो डिमांड है एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में, वो काफी कम हो गई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को की जागृति यादव को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है, एक दिन के लिए ब्रिटेन का हाई कमिश्नर बनाया गया, और ये कंपटीशन था, एक क्विज कंपटीशन, जिसको जीतने के बाद जागृति यादव जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से आती हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया गया था, अपॉइंट कर दिया गया एक दिन के लिए। पारंपरिक वैकल्पिक एवं पूरक चिकित्सा के लिए शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है, शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड जीता है किसने? ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आते हैं, इनका नाम है वजाहत हुसैन। तो शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड जो है इन्हें मिला है। मीडिया ग्रुप CNN न्यू ग्रुप 18 की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इंडियंस ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2022 के अंदर, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। सिंपल सा याद रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर। लॉजिस्टिक ईज ऑफ डिफरेंट स्टेट है जिसे लीड्स कहा जाता है, गुजरात इसमें मामले में नंबर वन रहता है लीड्स की रिपोर्ट में, लेकिन उत्तर प्रदेश किसमें आता है, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वालों में झारखंड भी है और उत्तर प्रदेश भी आता है, यानी जो अचीवर्स रहे हैं, यानी जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को अचीव करा है। और बिजनेस मॉड्यूल की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है रेगुलर बेसिस पर हमें, और लीड्स की ओवरऑल रिपोर्ट में तो गुजरात नंबर वन है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की कैटेगरी में रखा गया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सबसे ज्यादा मेडल सर्विसेज ने जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नंबर आता है वो 56 मेडल के साथ, 20 गोल्ड जीते हैं, 18 ब्रॉन्ज जीते हैं और 18 ही सिल्वर जीते हैं। 20 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 56 मेडल्स के साथ उत्तर प्रदेश जो है इसमें 8वें पायदान पर रहा, और ये उत्तर प्रदेश, ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया था 2022 में, नेक्स्ट 2023 में जो होंगे वो गोवा में आयोजित किए जाएंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को शामिल किया गया? इस बार जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 की रिलीज की जाएगी, उसमें उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम, ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं इनको भी इसके अंदर रखा जाएगा, यानी ओवरऑल रैंकिंग में ये भी शामिल होंगे। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेचुरल फार्मिंग बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नेचुरल फार्मिंग बोर्ड बनाने का फैसला किया है, जो फार्म्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और इससे पहले माइनॉरिटी को लेकर भी एक बोर्ड बनाया, कमीशन बनाया था, खुद योगी आदित्यनाथ जी उसके चेयरमैन थे, एक ई टूरिज्म को, इको टूरिज्म को लेकर भी बोर्ड बनाया था, उसके भी योगी आदित्यनाथ थे, और यहां पर जो नेचुरल फार्मिंग बोर्ड होगा, आयोग होगा, कमीशन होगा, उसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री खुद होंगे। इंदौर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बायो CNG प्लांट्स लगाए जाएंगे 3 अलग अलग शहरों में, गाजियाबाद होगा, प्रयागराज होगा, लखनऊ होगा, ये 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश में बायो CNG प्लांट्स लगाए जाएंगे, तीनों जगह ठीक है इसके अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 95 गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए, वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए करीब 34 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं, और यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर, योगी आदित्यनाथ का गांव है, मतलब सांसदी क्षेत्र रहा है पहले, और अभी तो फिलहाल MLA हैं, यहीं से आते हैं वो, और गोरखपुर से आते हैं। उत्तर प्रदेश ने किसकी मदद के लिए सवेरा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये योजना, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्डर पर्सन हैं राज्य के अंदर, वो सभी लोग अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, और उनके साथ पुलिस स्पेसिफिकली टाइम देगी उनको, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी,
ओल्डर पर्सन के लिए उत्तर प्रदेश ने सवेरा योजना शुरू की है। 100% विद्युतीकरण करने वाला एनसीआर यानी नॉर्थ कोस्ट, जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, वो कौन सा जोन बन चुका है? सबसे पहले कोंकण रेलवे 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका था, आप जानते हैं। उसके अलावा जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे होगा, ये ऐसा करने वाला पांचवा जोन बना है उत्तर प्रदेश, मतलब भारत के अंदर। रेलवे के टोटल 18 जोन है, जानते हैं, उन सभी के हेड ऑफिस भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में हैपकिडो, हैपकिडो क्या है? एक्चुअली कोरियन मार्शल आर्ट का नाम है ये, तो हैपकिडो एक खेल का नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में इसका एक संघ बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश हैपकिडो फेडरेशन जो है इसके अध्यक्ष बने हैं मनीष सिंह। ये नाम याद रखना है, हैपकिडो भी याद रखना है, साउथ कोरियन मार्शल आर्ट का नाम है। वर्ल्ड स्लॉथ बियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक्चुअली बियर मतलब भालू है, तो भालू की वो प्रजाति जो लुप्त हो रही है उनके लिए एक दिवस मनाने के लिए कहा गया, और ये वर्ल्ड में पहली बार है स्लॉथ बियर डे जो कि आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन कहां पर किया गया, बस ये आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में जब बहुत सारी चीजों का देखो आयोजन किया जाता है लगातार, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि लगातार पढ़ना पड़ेगा आपको चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए तो इसे स्पेसिफिक तौर पर याद रखिएगा कि इसका आयोजन स्लोथ बियर दिवस जो मनाया गया है ये आगरा के अंदर सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर चार्जिंग स्टेशन का ट्रायल शुरू किया जाएगा दिसंबर में, सोलर चार्जिंग स्टेशन होगा और यह पहली बार होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आईआईटी कानपुर के अंदर, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के अंदर। कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगमम, ये पूरा नाम है वैसे, संगमम है इसका नाम, काशी तमिल संगमम जो है इसके लिए बना है, और एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लॉन्च किया गया था, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से काशी और यानी वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जो कल्चरल रिलेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको बताने के लिए। स्वदेश दर्शन योजना एक है जिसमें देश भर के सारे टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म स्पेसिफिक तौर पर लिए गए हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश के झांसी को और प्रयागराज को सेलेक्ट कर लिया गया है, झांसी और प्रयागराज रहेंगे इसके अंदर। स्वदेश दर्शन टू यानी सेकेंड टाइम ये स्टार्ट की जा रही है, जनवरी 2023 में होगी एक्चुअल में, बट अभी से शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के शहरों के नाम। लंपी के टीका, लंपी आप जानते हैं काओ, गाय को होने वाली बीमारी है और काफी ज्यादा बढ़ गई है बीमारी, और इसके टीकाकरण में उत्तर प्रदेश में लगभग 80%, कई जिलों में 80% तक कार्य पूरा हुआ, और इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर वन स्टेट रहा है लंपी डिसीज के लिए, सबसे ज्यादा उसने वैक्सीनेशन किया है। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहां पर होगा? तो भारत में बनने वाला पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे जो होगा वो ग्रेटर नोएडा में होगा, या नोएडा कहना बेहतर, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हो रहा है लेकिन ये ग्रेटर नोएडा में होगा ताकि जेवर एयरपोर्ट तक इसको कवर अप किया जा सके। एशिया की पहली पैथोगन रिडक्शन मशीन किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये एशिया की होने वाली पहली मशीन होगी, और आपको बस ये बताना है कि ये पैथोगन जो मशीन होने वाली है तो ये कहां पर होगी। तो इसको लगाया जा रहा है लखनऊ के अंदर, पैथोगन रिडक्शन मशीन को। भारत का दूसरा नैनो फर्टिलाइजर, पहला तो गुजरात के कलोल में है लेकिन दूसरा कहां पर है? तो भारत का दूसरा नैनो फर्टिलाइजर जो प्लांट होगा ये प्रयागराज के फूलपुर में, फूलपुर जगह पड़ती है प्रयागराज के अंदर, पहला गुजरात के कलोल में है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा गया वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, यानी 75 जिले हैं तो 75 मेडिकल कॉलेज होंगे, लेकिन अभी कुछ नए मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाए जाएंगे, और स्पेसिफिकली उनके नाम आपको देखो याद होने चाहिए कि ये सरकार ने कहा है कि एक महोबा में, मैनपुरी में, उसके अलावा बागपत में, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज, ये 6 ऐसे जिले होंगे जहां पर अभी और कुछ मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे।
क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप लॉन्च किया जा रहा है और इसको शुरू किया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा कुछ जिलों में, ताकि जो वीडियोग्राफी की जा सके और बेहतर फॉरेंसिक जो रिकॉर्ड से उनको मैनेज किया जा सके। और ये मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, अलीगढ़, इन सभी जगहों पर इस तरह की शुरुआत कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अक्टूबर 2022 के। इस तरह की जनवरी से लेकर अब तक की सभी वीडियोस देख लें, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।